हेलो एवरीबॉडी, दिस इज यशानुपम। आज स्पेशली हम टॉपिक ले रहे हैं चेंज मैनेजमेंट, किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किया जा सकता है। आपने नॉर्मली देखा होगा मीडियम साइज कॉर्पोरेट या स्मॉल साइज की जो इंडस्ट्रीज हैं, जहां डायरेक्टर लेवल्स या पार्टनर्स या इंडिविजुअल प्रोप्राइटर किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना चाहता है, जब कंपटीशन चाहे वो इंडियन कंपनीज का है या मल्टीनेशनल कंपनीज का है। सबसे बड़ी डिफिकल्टी मैंने जब ऑर्गेनाइजेशन में विजिट किया है, वहां ये देखते हैं दे ऑलवेज कंप्लेन आइदर टू द डीलर्स या उनकी सेल्स टीम को या अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कंप्लेंट करते हैं। हमें ये देखना है कि हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो ड्रेस कोड का रोल है, चाहे कम्युनिकेट कर रहा है, चाहे हमारा ब्रांड कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। टेक्निकली डिफिकल्टी कहां आ जाती है, अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन या एक प्रोडक्ट्स के रिलेटेड या आपने स्पेशली कुछ बुक्स के थ्रू ग्रोथ थ्रू किया है, लेकिन कई बार अलग अलग कंपनीज उसी इंडस्ट्री में या दूसरी, फॉर एग्जांपल आप एफएमसीजी में कर रहे हैं या एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, अगर आप दूसरी इंडस्ट्री में देखेंगे लॉट ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स और लॉट ऑफ प्लेयर्स आर वर्किंग ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो चेंज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है कि डायरेक्टर लेवल अपनी थॉट्स कैसे चेंज करता है, किस तरह से अपनी सेल्स टीम को एजुकेट करके वो इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर हाईलाइट करनी है, तो किस तरह से कंपनी के अंदर आपके सेल्स टीम आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट 15-20 कंपनीज के साथ फाइट कर रहा है या मोर देन दैट, तो आपने अपने यूनिक सेल्स प्रपोजिशन दैट इज कॉल्ड यूएसपी वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, आपने किस तरह से मैसेज कन्वे करवाया। डेफिनेटली अगर ये टेक्निकल पॉइंट्स अगर आप चेंज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस की सेल्स स्टोरी में और वो ही आपकी ब्रांडिंग में मैसेज कन्वे होता है, तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट्स की टोटली चेंजेस हो जाती है और सेल्स का एक नया पैरामीटर शुरू होता है। चाहे आप कई बार कहते हैं कि हमने प्रोडक्ट्स बना दिया लेकिन सेल नहीं हो पा रहे हैं, अगर आपकी सेल्स की टेक्निकल स्टोरी, चाहे वो सेल्स स्टोरी रिलेटेड है आपके फैक्ट्री के टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे या वो बेसिस इंपॉर्टेंट है कि क्या एग्जैक्टली आपके प्रोडक्ट्स के पैरामीटर्स, लाइक जब रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं तो क्या रॉ मटेरियल का एक रोल प्ले हो सकता है। प्राइस वॉर जो मार्केट में हर कंपनी ये कंप्लेंट करती है, मैं उतना मार्जिन या प्रॉफिट नहीं ले पा रहा हूं या मेरी टीम ज्यादा मेरे से डिस्काउंट्स मांग रही है या इंसेंटिव्स एक्सपेक्ट कर रही है, उसका ये रीजन होता है कि हम रॉ मटेरियल जो परचेज कर रहे हैं या हमारे प्रोडक्शन के अंदर जो कॉस्टिंग आ रही है या फिनिश में जो लॉजिस्टिक्स का प्लान हो रहा है उसके बारे में हमने अपनी टीम को कितना एजुकेट किया है। तो इसके अलावा में अगर आपकी रिपोर्टिंग सिस्टम्स प्रॉपर नहीं है, रिपोर्टिंग्स में अगर टीम से एग्जैक्ट जो हिस्टोरिकल डाटा है वो आपने अगर प्रॉपरली डायग्नोस नहीं किया है, डायग्नोस का रोल ये होता है कि अगर आपने फिल्टर करने का सिस्टम हमारी कंपनी में अगर प्रॉपरली है तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जाना है तो इंस्टेड ऑफ लॉजिंग द कंप्लेंट्स कि मेरी टीम अच्छी नहीं है, मुझे नंबर ऑफ पर्सन चेंज करना है या मैन पावर आज अच्छी नहीं मिल रही है, मैन पावर का अच्छा होने का टोटली रिलेटेड है आप उसको एजुकेट या ट्रेन कैसे कर रहे हो। अगर आप हमारी सर्विसेज लेते हो उसे आपको ये बेनिफिट मिलता है हर सेक्टर में, चाहे वो कम्युनिकेट कर रहा है या टीम को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा या आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं हो पा रहे या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आ पा रहा, जिसमें सेल्स स्टोरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनी के स्टॉक्स जो पुराने हो चुके हैं या सेल हो सकते थे लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, या रूरल मार्केटिंग को टैप करना है या अर्बन एरियाज मेन सिटीज को करना है, तो ये सारा चेंज कब होता है, ये तब होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर पहले ये देखें कि हमारी कैपेसिटी में कहां कहां इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। क्या आपने 15 से 20 सेम इंडस्ट्री में या दूसरी इंडस्ट्रीज में, फॉर एग्जांपल आप एफएमसीजी में है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में है या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में है, क्या आपने दूसरी इंडस्ट्री में देखा फार्मा में किस तरह से एक सेल्स पर्सन अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन अपने डॉक्टर्स के पास दे रहा है, कितनी जल्दी वो उसको कन्विंस कर रहा है, क्या क्लैरिटी है। तो ये सब पैरामीटर्स को मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से कंपनी के उस कॉर्पोरेट में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनमें रेगुलरली उनकी ब्रेन वायरिंग में एक रीवायरिंग होता है। तो ये प्रोग्राम्स आपको बेनिफिट देगा जिससे आपकी सेल्स की ग्रोथ भी होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। थैंक यू वेरी मच।